बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस सी स्वीट डिश की रेसिपी। जी व्यूवर्स, इस मज़े की और डिलीशियस सी स्वीट डिश को मैंने नाम दिया है गाजर हलवा इंस्टेंट रसमलाई। जी तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने लिए हैं 1.5 kg गाजर, जिनको मैंने बहुत ही बारीक कश कर लिया है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 kg मिल्क, और इसको हम इतनी देर पकाएंगे जब तक ये दूध इन गाजरों के अंदर ड्राई हो जाए। व्यूअर्स, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे कि आपका ये जो दूध है गाजर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। चम्मच को हम सरसर हिलाते रहेंगे कि हमारा हलवा जो है वो नीचे से जल ना जाए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें दूध हमारा तकरीबन ड्राई हो गया है। इसमें अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जो भी अवेलेबल हो आपके पास। चम्मच को हिला के हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल। इसमें हम तकरीबन 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये तो व्यूअर्स, इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से चम्मच से हिला के हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट। और साथ ही हम ऐड कर देंगे शुगर। 1.5 kg गाजर थी, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 छोटा कप शुगर। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। जी तो व्यूअर्स, भूनने के बाद जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, चीनी वाला पानी इसमें से ड्राई हो जाएगा, तो इसमें हम अब ऐड करेंगे खोया, जो कि मैंने लिया है 1 कप, 1/2 पाव। खोए को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, बहुत ही मजे का और बहुत ही डिलीशियस सा गाजर हलवा हमारा हो गया रेडी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी तो नेक्स्ट स्टेप में हम रेडी करेंगे इंस्टेंट रबड़ी दूध, जो कि बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस सा फटाफट तैयार हो जाएगा। जी तो इंस्टेंट रबड़ी दूध तैयार करने के लिए मैंने 1 kg मिल्क को बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 50 ग्राम खोया और इसको भी मिक्स कर दिया है दूध के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से हिला के इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। और इसके अंदर ही मैंने ऐड कर दिया जी 50 ग्राम शुगर, और थोड़े से इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। तकरीबन 1 ब्रेड को मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया था। बस व्यूअर, 1 से 1.5 मिनट हम इसको पकाएंगे और इसके बाद हमारा रबड़ी दूध हो जाएगा रेडी। जी तो इसके बाद मैंने ली है ब्रेड और इसको सर्कल शेप में कट कर लिया। आप भी कोई भी सर्कल शेप ले के उसको कट कर सकते हैं, कटोरी ले लें या कोई प्लेट वगैरह ले लें। जितने पीसेस आप रसमलाई की तैयार करना चाहें उतने आप इसको कट कर लें। इसके बाद इसके ऊपर मैंने रबड़ी दूध थोड़ा सा लगाया और थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने रख दिया जी गाजर का हलवा। अगेन दूसरे पीस के ऊपर भी मैं रबड़ी दूध लगाऊंगी और इसको इसके ऊपर अटैच कर दूंगी। इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा प्रेस करके अच्छे तरीके से आप दबाएंगे तो ये ऐसे जुड़ जाएंगे। जी व्यूअर्स, बिल्कुल इसी तरीके से सारे पीसेस को रेडी कर लेना है और इसको रख देना है एक ट्रे में, जिसमें आप इसको डिश आउट करना चाह रहे हैं। और इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी रबड़ी दूध। जी जब इसके ऊपर आप गर्मा गर्म रबड़ी दूध ऐड करेंगी तो ये बहुत ही मज़े की सॉफ्ट सी रसमलाई तैयार हो जाएगी। तकरीबन 1/2 आपने इसको दूध में डिप कर देना है इनको, और इसके बाद इसके ऊपर ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट, इसकी गार्निशिंग कर देंगे, प्यारा सा इसका मेकअप कर देंगे जो भी इंग्रेडिएंट्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको इंस्टेंट गाजर हलवा रसमलाई की रेसिपी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी तो इस ट्रे के साथ ही मैं एक बड़ा प्यारा सा कप रेडी करूंगी। आप देखिएगा, एक लेयर में लगा दिया गाजर हलवे की और दूसरी लेयर इसमें लगा दी रबड़ी दूध की, और अगेन इसमें मैंने एक और लेयर लगा दी गाजर हलवे की और इसको प्यारा सा डेकोर कर दिया। जी व्यूअर्स, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। I love you.